Now, students, come towards page 13. This is exercise A. Vocabulary, choose the correct words to complete the table, okay? Students, इस टेबल में आपको ये वर्ड्स गिवन है और आपने देखना है कि ये यहाँ पर कौन से वर्ड के साथ मैच करते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखने हैं लाइक स्काई, फ्रूट, डेंजर, कैरेट, क्रॉस, सॉरी ग्रास, बनाना, एप्पल, लेमन, ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ रेड. सो हेयर यू आर सपोज टू राइट टू वर्ड्स आर टू थिंग्स दैट आर रेड, ओके, इन नेचर आर इन कलर. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉबेरी एंड द सेकेंड वन इज़ डेंजर. हाँ, लाइक स्ट्रॉबेरी इज़ रेड इन कलर एंड डेंजर, जब ख़तरा होता है तो उसके लिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए दीज टू थिंग्स जो है ये दीज आर रिलेटेड टू रेड कलर. Then we have orange. So we have in number one fruit and carrot. Okay, so orange जो है एक fruit का नाम भी है ना, जिसको हम orange कहते हैं, और carrot जो है वो भी color में orange होता है. Third number is yellow. So अब हमने यहाँ पर two words ऐसे लिखने हैं जो क्या है, color में yellow है. Okay, सो द फर्स्ट वन इज़ बनाना. जो बनाना होता है, जो फ्रूट है, वो हमारे पास येलो कलर का होता है. एंड द सेकेंड वन इज़ लेमन. लेमन जो है वो भी हमारे पास येलो कलर का होता है. फोर्थ वन इज़ ग्रीन. सो अब हमने यहाँ पर देखना है, वो चीज़ें लिखनी है, टू थिंग्स जो कलर में ग्रीन है. सो नंबर वन इज़ ग्रास. जो हमारे पास ग्रास, यो घास जो होती है, उसका उसकी जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है. एंड द सेकेंड वन इज़ एप्पल. एप्पल हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर की भी होते हैं और रेड कलर की भी होते हैं. फिफ्थ वन इज़ ब्लू. हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें कलर में ब्लू है. सो फर्स्ट नंबर इज़ स्काई. आसमान जो है वो कलर में ब्लू है, नीला है. एंड ब्लूबेरी, ये एक फल होता है, एक फ्रूट है, जो कलर में क्या है, ब्लू होता है. उर्दू में इसको कहते हैं नील बेर. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी ऑफ पेज 13. दिस इज़ कॉम्प्रीहेंशन. रिंग द करेक्ट एंडिंग फॉर ईच सेंटेंस. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि आपको जो है कुछ सेंटेंसेस जो है छोटे से वो दी गए हैं, और इसके आगे ऑप्शंस है, तो आपने करेक्ट वन को क्या करना है, इसको रिंग करना है. द फर्स्ट वन इज़ रैम्बोज हैव द कलर. सो हेयर द ऑप्शंस आर ग्रे, ऑरेंज, ब्राउन. तो जाहिर है हमारे पास धनक जो है, रैम्बो जो है, उसमें हमारे पास ब्राउन और ग्रे कलर्स नहीं होते, तो यहाँ पर आपने ऑरेंज को सर्कल करना है. Then the second one is blue is the color of flower, clouds and the sky. Flower means aata, clouds badal, sky aasman. To zahir hamare paas aasman jo hai wo color mein blue hota hai, you have to circle it. The third one is red is the color of trees, blood, water. To zahir hamare paas jo blood hai wo color mein red hota hai, to you have to circle it. Then fourth one is green is the color of मर्ड, स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रास. मर्ड मीन्स कीचड़, स्ट्रॉबेरीज जो हमारे पास रेड कलर का फ्रूट होता है, जिसको हम उर्दू में स्ट्रॉबेरी कहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रास जो है वो कलर में ग्रीन है, सो यू हैव टू सर्कल इट. देन नंबर फाइव इज़ येलो इज़ द कलर ऑफ बैडल्स, बनानास एंड बियर्स. बैडल मीन्स जो मैदान जंग होता है, जहाँ पर लड़ाई होती है, उसको हम कहते हैं. एंड बियर्स मीन्स जो है वो रीच जो होते हैं, जो जानवर है. तो ऑब्वियसली वी हैव बनानाज इन येलो कलर, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट. ओके, नाउ वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी ऑफ पेज 13. दिस इज़ ग्रामर. एट अ नाउन एंड करेक्ट द सेंटेंस. यहाँ पर आपने क्या करना है, जो ब्लैंक्स है वहाँ पर आपने नाउन जो है वो लिखने हैं, और सेंटेंस को क्या करना है, फिल करना है, कंप्लीट करना है, और जो है यहाँ पर हमारे पास कुछ करेक्शन जो है वो करनी है. So the very first is my father and I often go fishing for dash. मैं और मेरे फादर जो है, हम अक्सर फिशिंग मीन्स माहीगीरी करना, मछलियाँ पकड़ना, तो हम मछलियाँ पकड़ने जाते हैं फॉर फन. फन मीन्स मज़ा, एंड दिस इज़ अ नाउन. मैं और मेरे फादर जो है, हम अक्सर मज़े के लिए ना, मीन्स
अपना ध्यान वो करने के लिए ना बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंड के बाद जो आई है उसको हमें अंडरलाइन किया है, क्योंकि आई जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। द सेकेंड वन इज कैथलीन ओपन द डैश केयरफुली। तो यहाँ पर आता है बुक एंड बुक इज़ अ नाउन। तो यहाँ कैथलीन ने बुक को, किताब को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ खोला। तो यहाँ पर के को अंडरलाइन किया गया है क्योंकि इट शुड बी कैपिटल। एक तो ये प्रॉपर नाउन है, दूसरा सेंटेंस का स्टार्ट है। ओके, द थर्ड वन इज़ आर यू गेटिंग द डैश आर द बस। सो यहाँ पर आता है ब्लैंक में टैक्सी। क्या आप टैक्सी जो है उसमें जा रहे हो या बस में? और बस के बाद हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि दिस इज़ अ क्वेश्चन। द फोर्थ वन इज़ समटाइम्स आई यूज़ अ कैलकुलेटर टू डू माई सम्स। तो यहाँ पर समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स, आपने इसके एस जो है इसको अंडरलाइन करना है बिकॉज दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ब्लैंक में कैलकुलेटर आता है। समटाइम्स जो है बाज़ औक़ात मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ टू डू माई सम्स, मीन्स जो मैथ्स का काम होता है तो वहाँ पर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना। फिफ्थ वन इज़ डैश गोइंग टू मरी ऑन हर हॉलीडेज। तो यहाँ पर आता है जेन। जेन इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल। ओके, तो नाउन है ना, तो क्या जेन जो है वो अपनी छुट्टियों में मरी जा रही है? स्टूडेंट्स नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज डी ऑफ पेज 13। दिस इज प्रूफिंग। अंडरलाइन द 10 एरर्स एंड राइट द करेक्शन अबव द एरर। यहाँ पर आपको एक पैरा जो है वो दिया गया, एक पैराग्राफ है, लेकिन उसमें हमारे पास जो है स्पेलिंग्स मिस्टेक्स है। तो आपने क्या करना है, उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर इसको सही करके लिखना है। ओके स्टूडेंट, सो हेयर इज़ वन अपॉन अ टाइम द बर्ड्स वांटेड अ किंग। सो आप देखिए ना, वन के स्पेलिंग में भी मिस्टेक है और वांटेड की भी, ये वन नहीं है, ये वंस है। ओके, ओ एन सी ई, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। द बर्ड्स वांटेड अ किंग, तो आप देखिए यहाँ पर वांटेड की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, तो यहाँ टी के बाद ई आता है। ओके, फिर फुल स्टॉप है, फिर है दे हैड अ मीटिंग, उनकी एक इजलास हुई। सो यहाँ पर आप देखिए टी को जो है उसको अंडरलाइन करें क्योंकि ये कैपिटल होगा, सेंटेंस का स्टार्ट है। एंड ऑल ऑफ द बर्ड्स केम, और तमाम परिंदे आए, तो कहाँ पर आए? तो केम के बाद आपने लिखना है टू द मीटिंग और फिर फुल स्टॉप। ओके, देन वन ऑफ द बर्ड वॉज वेरी टाइनी विद ब्राउन फेदर्स एंड अ शॉर्ट टेल। उनमें से एक परिंदा जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, टाइनी मीन्स छोटा, और उसके ब्राउन कलर के परते और छोटी सी धुम थी। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था, दैट द अदर बर्ड्स पेड नो हीड टू हिम। वो इतना छोटा परिंदा था कि दूसरे परिंदों ने उसे तवज्जो नहीं दी। हीड मीन्स तवज्जो दें। तो आप देखिए यहाँ पर टू जो है उसको अंडरलाइन कर, यहाँ पर डब्ल्यू नहीं है, यहाँ टी ओ टू है, डायरेक्शन वाला टू है। अच्छा, और ये जो लिखा गया है टी डब्ल्यू ओ, इसका मतलब है दो, तो दिस इज़ रॉन्ग। ही वॉज अरिन, वो एक परिंदा, अरिन जो है एक छोटे परिंदे का नाम है उर्दू में, इसको पितपिदी कहते हैं। अच्छा, द ईगल सैड दैट द बर्ड हु फ्लू द हाइस्ट शुड बी द किंग। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर है कि द बर्ड हाउ फ्लू द हाइस्ट, तो हाउ जो है वो तो रॉन्ग आता है ना, हाउ का मतलब तो है कैसा, तो यहाँ पर हु आएगा, डब्ल्यू एच ओ, और बर्ड के बाद कॉमा आएगा, शुड की जगह यहाँ पर वेल आएगा, और किंग के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। ओके, ऑल द बर्ड्स एग्रीड एंड बिगैन टू फ्लू। तो अब टू जो है इसके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लू जो है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम ई की जगह ओ लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे, मीन्स के तमाम परिंदे उड़ना शुरू हो गए और राजी हो गए वो। फिर है फुल स्टॉप और उसके बाद है दे फ्लू अप एंड अप, दे फ्लू अप एंड अप, वो ऊपर से ऊपर तक उड़ते गए। तो यहाँ पर टी को अंडरलाइन करें बिकॉज दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, सो इट शुड बी कैपिटल। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये लिखा है, तो आप इसको गौर से देखें और अपने रफ कॉपी में आपने भी इसी तरह लिखना है। वंस, अब देखिए इस यहाँ पर ओ एन सी ई है, तो मैंने इसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है। वंस अपॉन अ टाइम द बर्ड्स वांटेड अ किंग। तो अब देखिए बुक में जो है वहाँ पर टी के बाद ई नहीं है और हमने यहाँ पर लिखा है और इसको अंडरलाइन किया है। ओके,
दे हैड अ मीटिंग. अब यहाँ पर देखिए बुक में जो है फुल स्टॉप के बाद टी जो है वो स्मॉल है और हमने यहाँ पर कैपिटल करके इसको अंडरलाइन किया है. एंड ऑल ऑफ द बर्ड्स केम टू द मीटिंग. ओके स्टूडेंट्स, बुक में टी डब्ल्यू ओ है जिसका मतलब है दो और यहाँ पर टी ओ है, हमने इसको अंडरलाइन किया है. और बुक में सिर्फ केम तक है और यहाँ पर जो है हमने केम के बाद लिखा है टू द मीटिंग और इसके बाद फुल स्टॉप भी है, उसको भी हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया है. सो वन ऑफ द बर्ड्स वॉज टाइनी विथ ब्राउन फेदर्स एंड अ शॉर्ट टेल. ही वॉज सो स्मॉल दैट द अदर बर्ड्स पैड नो हीट टू हिम. अब देखिए बुक में टी डब्ल्यू ओ है और यहाँ पर जो है टू आता है टी ओ, तो यहाँ हमने टू लिखकर इसको अंडरलाइन किया है. अच्छा, ही वॉज अ रेन, बुक में है आ रेन लेकिन यहाँ पर आता है ही वॉज द रेन, वो यहाँ पर टी एच ई आता है, आर्टिकल इसको कहते हैं. अच्छा, द ए एन जो है हमारे पास इंग्लिश में थ्री आर्टिकल्स होते हैं. द ईगल सैड दैट द बर्ड, तो यहाँ बर्ड के बाद आएगा कॉमा और बुक में है हाउ फ्लू लेकिन यहाँ पर आएगा हु फ्लू. हु मतलब जो, वो परिंदा जो सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा. हु फ्लू द हाईएस्ट विल बी द किंग, तो वहाँ बुक में शुट है और यहाँ पर विल आएगा और किंग के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क. ऑल द बर्ड्स एग्रीड एंड बिगैन टू फ्लो बुक में फ्लू है जिसका मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन यहाँ पर टू के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं तो ई की जगह ओ आएगा और फुल स्टॉप. दे फ्लू अप एंड अप, अब यहाँ पर टी को हमने कैपिटल करके अंडरलाइन किया है और अप के बाद फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, वी आर डन विद एक्सरसाइज डी. नाउ कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज ई ऑफ पेज 13. दिस इज स्पेलिंग. 10 वर्ड्स विल बी रेड अलाउड. लेसन एंड राइट देम करेक्टली. जिस तरह हम आपकी इंग्लिश एम ए डिक्टेशन वर्ड्स लिखते थे ना, आपका टेस्ट उसमें होता था, फिर हम बुक में उसको मार्क करते थे, इसी तरह आप यहाँ पर हमने लिखने हैं और ये हमने लाउडली क्या करना है, प्रोनाउंस करना है. आपने इसको गौर से सुनना है और सही तरह से लिखना है. द वेरी फर्स्ट इज वॉन्डर. वट इज़ इट? वॉन्डर, हैरान होना. सेकेंड वन इज टार्ट. वट इज़ इट? टार्ट. थर्ड वन इज बेल्ट, belt. Fourth one is rest, rest. The fifth one is quiet. What is it? Quiet. Sixth one is bet. What is it? Bet. Seventh is blow. What is it? Blow. Eighth one is fluffy, fluffy. Ninth one is pant. What is it? Pant. And tenth one is suppose. What is it? Suppose. So students, we are done with all the exercises of unit 2. Now I'm gonna giving you homework. You have to do practice of exercise D plus E, that is the dictation words and the paragraph on page 13 from book. Okay, I'll check this. Okay, after school will reopen.